मैंने चंद दिन पहले टिकटॉक यूके अकाउंट पर एक वीडियो चैनल पर अपलोड की थी जो काफी मुश्किल है आप लोगों के लिए, उसमें काफी मसले पेश आ रहे हैं आप लोगों को। आज मैं उस तरीके को और इजियर करके और सिंपलीफाई करके बताता हूँ। बस अपना प्री अकाउंट बनाए, मैंने में 10,000 फॉलोअर्स 1,00,000 व्यूज कंप्लीट करके अपना अर्निंग स्टार्ट करें। हाँ, अपने दोस्तों को भी बताना है, बहारत नहीं करना है। सो लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, अपना टिकटॉक ऐप अनइंस्टॉल करें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ प्ले स्टोर में आना है, यहाँ पर सर्च कर देना है यूके वीपीएन। बहुत ज़बरदस्त वीपीएन है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोकेशन चेंज कर सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो वीपीएन है आपने ये इंस्टॉल किया है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया, तो ओपन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ स्टेटस के नीचे थे कि लंदन मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है, ठीक है। ये सारे फ्री वीपीएन फ्री सर्वर आप लोगों को मिलेंगे, 3622 ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। अक्सर मैं ये कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक ऐड आ जाएगा, इस ऐड के थ्रू आप लोगों को फ्री सर्वर दिया जाएगा। फिर उसके बाद इस बड़े बटन पर क्लिक करें तो आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्टेटस कनेक्टेड। अब क्रोम ब्राउजर में जाता हूँ, यहाँ पर सर्च कर देता हूँ माई लोकेशन। माई लोकेशन सर्च कर देने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आना है, माई लोकेशन वेयर एम आई, अब मैं किधर हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरह एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर देखिए स्टेट इंग्लैंड है, सिटी लंदन है, तो मेरा लोकेशन बिल्कुल चेंज हो गया है, अभी अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम मेरा लोकेशन आ रहा है, हमारा लोकेशन डन। अब दोबारा यहाँ क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आ जाना है, यहाँ पर सर्च कर देना है टिकटॉक लॉगिन, इस पर क्लिक करें, इस तरह पेज ओपन हो जाएगा लॉगिन इनटू टिकटॉक। उसके बाद नीचे देखिए लॉगिन पर क्लिक नहीं करना है, नीचे देखिए साइन अप पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हम नया अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद कंटिन्यू विद गूगल करें। याद रखें यहाँ पर आपने वो जीमेल सेलेक्ट करना है, गूगल जीमेल सेलेक्ट करना है, गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है, जिस अकाउंट पर पहले से कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं बना हो, वरना आपका यूके अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक फ्रेश जीमेल बनाया है, इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। एक पजल आ जाएगा, मैं इस पजल को हल कर देता हूँ। इस तरह आप लोगों ने ड्रैग करके ये सॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, चादर की डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने यहाँ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, भाई ओरिजिनल काम करें, ताकि बाद में कोई इशू ना हो। 80% तो इशू नहीं होते हैं, तब भी आप लोगों ने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने यूज़र नेम अपने पसंद का यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं जिसके लिए बना रहा हूँ उसका नाम यहाँ पर रखता हूँ। साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास टिकटॉक यूके अकाउंट बन गया है। अब आगे क्या करना है, आगे आप लोगों ने इस तरह बैग जाना है और यहाँ पर सर्च कर देना है टिकटॉक, यानी दोबारा टिकटॉक ऐप आप लोगों ने इंस्टॉल कर देना है। हमारे पास टिकटॉक ऐप इंस्टॉल हो गया, अब दोबारा ओपन पर क्लिक कर देता हूँ, टिकटॉक ऐप ओपन कर देता हूँ, एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने वीडियोस के मुताबिक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ, ठीक है। स्वीप आप इस तरह कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह प्रोफाइल पर क्लिक करें और हमने जो अकाउंट बनाया था अभी अभी क्रोम ब्राउजर में, यहाँ पर लॉग इन कर देते हैं। अब साइन अप नहीं करते हैं, लॉग इन करते हैं। यूज फोन ईमेल और यूजर नेम पर क्लिक करना करें, वरना आपको 2 मिनट अटेम्प्ट का इशू आ जाएगा। आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल में अभी हमने जो क्रोम ब्राउजर में जीमेल सेलेक्ट किया था उसी जीमेल पर क्लिक करें, लॉगिन करने के बाद अब प्रोफाइल पर इस तरह क्लिक कर देता हूं और ये 3 डॉट पर क्लिक कर देता हूं और टिकटॉक स्टूडियो में जाता हूं। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई ये यूएसए टिकटॉक अकाउंट है या यूके टिकटॉक अकाउंट है। यहाँ पर देखिए वर्क विद आर्टिस्ट क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस, ये यूके वाला टिकटॉक है, बिल्कुल यहाँ पर क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम आ गया है। अब हम किस तरह मालूम करते हैं कि ये यूके का टिकटॉक अकाउंट है, आपने भी एक आना है, यहाँ पर बैलेंस पर क्लिक कर देना है। बैलेंस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए लाइव रिवार्ड के नीचे 0 के सामने देखिए पाउंड का साइन आ रहा है, अगर यहाँ पर डॉलर का साइन आया तो फिर ये आपका यूएसए टिकटॉक अकाउंट बन गया। यहाँ पर अब पाउंड का निशान आ गया है तो ये यूके का टिकटॉक अकाउंट है, यूनाइटेड किंगडम अकाउंट है। अब आप लोगों ने अर्निंग किस तरह करना है, इस तरह टिकटॉक स्टूडियो में अब जाइए, अर्निंग क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम में जाए,
और यहाँ पर देखिए आप 18 साल के होने चाहिए, 10,000 फॉलोअर्स और 1,00,000 व्यूज आपके अकाउंट पर होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इजी है और सिंपल है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और एक खूबसूरत कमेंट भी छोड़ दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।